दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जुग्गौर के दुगरा गांव में हम हैं। जुग्गौर क्या पड़ता है इसका? जुग्गौर का मजरा है। जुग्गौर इसका मजरा है। और साथ में हमारे हैं, क्या नाम है आपका? राम सुमरन। राम सुमरन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर हर जगह प्लाटिंग हो रही है बहुत तेज़ी से। तो एक समय यहाँ खेती होती थी जी भैया इधर, और इन इस प्लाटिंग के जस्ट बगल में इनका खेत है। तो लोग आते हैं इनके पास भी और कहते हैं कि जो है कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप ज़मीन बेच दीजिए। मगर भैया ने अपना ज़मीन नहीं बेचा। तो भैया आप थोड़ा बता सकते हैं कि लोग आते हैं और आप मतलब ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, मतलब इसके पीछे क्या वजह है? नहीं बेचते हैं अपन। हाँ, रखे हैं भैया अपन। हाँ, खाते कमाते हैं इसी से। बहुत बढ़िया। और किसान को दोस्तों ज़मीन अपनी बेचनी नहीं चाहिए, एक बार अगर ज़मीन हाथ से निकल गई तो फिर निकल गई। हाँ, और जो बाहर से लोग आते हैं ज़मीन बताते हैं कि हमको ये ज़मीन चाहिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, और उसमें फ्रॉड भी होते हैं दोस्तों। और एक बार किसान के हाथ से ज़मीन निकल गई तो निकल गई, किसान की सब कुछ वही ज़मीन ही है, और जो उनके पूर्वज ने बना दिया है किसानों के लिए। और ज़मीन ही निकल जाएगी तो उनका क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और बहुत ही दुर्दशा होने जा रही है दोस्तों। लखनऊ जिस हिसाब से प्लाटिंग, ये आप देख रहे हैं हर जगह प्लाटिंग होती जा रही है, अगर हर जगह ऐसे प्लाटिंग हो जाएगी, जब ज़मीन खेती के लिए नहीं रह जाएगा तो इंसान खाएगा क्या? बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पे सरकार को भी थोड़ा रोक लगाना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों अभी भी काफ़ी जगह ऐसा है कि जहां अभी खेती हो रही है अभी प्रेजेंट में, और बाहर से लोग आते हैं देखते हैं और किसानों से बात भी करते हैं ज़मीन खरीदने के लिए। मगर दोस्तों अगर ज़मीन बिक जाएंगे सब, लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, किसान पथ से जस्ट पास में ही है, दुगरा गांव पड़ता है। तो दोस्तों जब किसान, जब सारी ज़मीन बिक जाएंगी तो फिर इंसान खाएगा क्या? जब खेती किसानी ही नहीं रह जाएगी तो खाएगा क्या? क्यों भैया, मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? सही बात। तो यही हाल है। और मैं भैया से यही कहना चाहूँगा कि अपना जो ज़मीन है वो ना बेचे, और ज़मीन है तो सब कुछ है, और एक बार ज़मीन निकल गया तो मिलना नहीं दोबारा। पैसा तो सबके पास रहता है भैया, पैसा तो सबके पास रहता है, बट एक बार ज़मीन अगर हाथ से निकल गई तो निकल गई। दोस्तों बस यही है, और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और धन्यवाद।